दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स मंत्रा भाई नवीन सर के अंदर। आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक उसी का, यानी कि स्फीयर और हेमिस्फीयर के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो स्फीयर क्या होता है इसको देखते हैं। स्फीयर यानी एक 3D डायग्राम जो सर्कल की तरह ही माना जाता है नॉर्मली, लेकिन होता नहीं है। सर्कल और स्फीयर में डिफरेंस क्या है छोटे से अगर बात बताई जाए आपको, तो एक अगर बैंगल यानी कि चूड़ी की बात करें और उसके शेप की नहीं उसको रख दिया जाए तो वो क्या है अपने आप में एक सर्कल है। लेकिन अगर प्रॉपरली बात करें तो चूड़ी भी क्या है हमारी एक सिलेंडर है, लेकिन हम बात एग्जांपल समझाने के लिए बोल रहा हूँ तो वो क्या है हमारे पास एक पर्टिकुलरली सर्कल। लेकिन स्फीयर क्या होता है, हमारी फुटबॉल बॉल टेनिस बॉल ये सब क्या, या हमारी अर्थ भी कह सकते हैं कि एक प्रकार से स्फीयर है। तो बात करते हैं स्फीयर के CSA TSA और वॉल्यूम की, तो देखते हैं। तो CSA क्या होता है हमारा स्फीयर का, यानी कि CS और A यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। तो जब CSA के बारे में बात की जाती है हमारे पास, तो ये हमारा मान लिया एक क्या है स्फीयर जिसकी रेडियस है हमारे पास R। सर्कल मत मानना इसको, 3D मान के समझना कि ये हमारे पास एक स्फीयर है जिसकी रेडियस है R। तो इसके अगर CSA की बात की जाए या इसके LSA की बात की जाए तो क्या होगा, या इसके मैं साथ में बोल देता हूँ कि TSA की बात की जाए क्यों, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं कि CSA LSA और TSA इसका सेम क्यों होता है और क्या होता है। अगर मैं रात याद करने का बोलूं तो मैं कह दूंगी सर याद कर लीजिए इसको बच्चों कि 4πr² उसका होता है, लेकिन क्यों। सबसे पहला बेस्ट तरीका बताया गया इसके अंदर कि हमने क्या लिया, यहाँ पर दो पॉइंट्स बनाए, एक यहाँ और एक यहाँ, और यहाँ पर उस पूरे स्फीयर को रस्सी से बांधा गया एकदम पूरा परफेक्टली। रस्सी से क्या किया गया, बांधा गया। तो रस्सी से बांधने के बाद उस रस्सी की जो लेंथ मापी गई, हमारा मेजरमेंट किया गया लेंथ का, तो हमारे पास जो सर्कल होता है इसी मेजरमेंट का इसी रेडियस का वो उसका 4 times आया था हमारे पास। यानी कि हमने डिस्कस निकाल लिया कि जो सर्कल का जो एरिया होता है यानी कि पाई आर स्क्वायर, उसका अगर 4 times आया तो ये क्या बन गया हमारे पास 4πr² बन चुका है। आगे देखते हैं अब इसका TSA सेम क्यों होता है, ये तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। बात करते हैं इसके वॉल्यूम की, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा। हमें पता है कि 1/3πr² किसका होता है, कौन का, पाई आर स्क्वायर किसका होता है सिलेंडर का। तो इसका क्या होगा, इसका होता है 4/3πr³। अब ये आपको भी बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि पाई आर क्यूब ही क्यों होता है। पहली बात तो क्यूब का याद करने का तरीका बताया जाए अगर आपको कि 3D डायमेंशन है तो ये तो क्या होगा, क्यूब तो आएगा आएगा, तो 4/3πr³ बन चुका है हमारे पास। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊँ यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर और बताऊँ आपको अच्छे से कि इसका जो वॉल्यूम है एक्चुअल में किसके इक्वल है। लेकिन अभी याद करने के तरीके से हिसाब से वॉल्यूम क्या होगा, 4/3πr³। आगे देखते हैं हमारे पास हेमी स्फेयर। तो हेमी स्फेयर मीन्स क्या होता है, एक्चुअल में है जो हमारा हेमी स्फेयर है इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया इसी स्फेयर को, तब इसको हेमी स्फेयर बोला गया है। लेकिन ये भी एक्चुअल में क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ स्फेयर ही है। तो देखते हैं, तब इसको कट कर देंगे। हमारी टेनिस बॉल होती है ये जो जेम्स का बॉक्स आता है गोल, उसको कट करने के बाद जो शेप बनती है तो वो क्या होता है हमारा हेमी स्फेयर होता है। ये हो गया हमारा हेमी स्फेयर, इसमें ये क्या हो जाती है हमारी रेडियस, आई बात समझ में। और ये भी रेडियस ही, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर पार्ट किया जाए तो ये भी एक्चुअल में रेडियस ही है। तो इसका हेमी स्फेयर का अगर हम निकालें CSA या LSA एक ही बात है, क्या होगा हमारे पास इसका, जब 4πr² था और एकदम इक्वल पार्ट में कट किया गया है तो क्या हो जाएगा वो 2πr². क्यों, क्योंकि अभी तक हमने इसको ऊपर वाले पार्ट को जो ओपन हो चुका है उसको यूज नहीं किया है, इसलिए क्या बोला गया इसको CSA। अगर इसके TSA की बात की जाए यानी कि हमारे पास जो बॉल है उसके ऊपर सर्कल से उसको ढक दिया जाए प्रॉपरली रूप से तो वो क्या हो जाता है हमारा TSA, यानी कि 2πr² तो आएगा ही प्लस साथ में 1πr² और आ जाएगा, यानी कि सिंगल 1πr² जब उसको ऐड करेंगे हो जाएगा 3πr². एंड इसके वॉल्यूम, वॉल्यूम हमें पता है वॉल्यूम से अगर कट कर दे उसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, जितना भी है हाफ हो जाएगा, यानी कि 4/3 है, 4 में जब 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3πr³, ये हो जाएगा 2/3πr³। तो बताइएगा जरूर कैसा लगा हमारा वीडियो, कैसा लगा हमारा ये आपके लिए छोटा सा प्रयास, ताकि आपको पूरा ज्योमेट्री के 3D डायग्राम जो भी है 3D शेप्स उन सब के एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट कर चुके हैं। थैंक यू दोस्तों।